खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। सेंट्रल यूरोप में 1618 से 1648 तक चले इस युद्ध को 30 ईयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है। इसे यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसकी वजह से कई लाख लोगों की लाइफ प्रभावित हुई थी 400 साल पहले इस युद्ध के बारे में। अब जाकर साइंटिस्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 2011 में जर्मनी के लुत्जेन में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला था, जिसमें कई लोगों की बॉडी एक साथ दफनाई गई थी। इनमें से 47 बॉडीज की जांच करने के बाद ये बात सामने आई है कि ज्यादातर सिपाहियों की मौत बंदूक से चली गोली की वजह से हुई थी। कुछ कंकालों के ऊपर धारदार हथियार से मिले निशान भी मिले हैं, लेकिन 47 में से 21 कंकाल के सिर में गोली के निशान मिले, तो 11 में बुलेट फंसे हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि आज से 400 साल पहले इतने सारे लोगों को मारने के लिए बंदूक आई कहां से। उस दौर में बंदूक मिलनी तो दूर, लेकिन इतनी भारी मात्रा में लोगों को मारने के लिए कई बंदूकों की जरूरत हुई होगी, तो यह मुश्किल था। 400 साल पहले मिले इन कंकालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारी बॉडीज को यूं ही दफन कर दिया गया था। रिसर्च में ये बात सामने आई कि दफनाने से पहले इन सैनिकों के यूनिफॉर्म भी उतार दिए गए थे। रिसर्च के बाद जारी रिपोर्ट में साइंटिस्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि इनमें से ज्यादातर सैनिक स्वीडिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।